नमस्कार, मैं गुनगुन जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ IIMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। आज के दिन हुई थी ऐतिहासिक फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत। फ्रांस में क्रांति की शुरुआत 14 जुलाई 1789 को हुई थी और बास्टिल की ऐतिहासिक जेल पर जनता ने अधिकार कर उसके बड़े हिस्से को तबाह कर दिया था। यह क्रांति 1799 तक चली। क्रांति के फलस्वरूप राजा को गद्दी से हटा दिया गया और गणतंत्र की स्थापना हुई। फ्रांसीसी क्रांति ने आधुनिक इतिहास की दिशा बदल दी। इससे विश्व भर में निरपेक्ष राजतंत्र का पतन होना शुरू हुआ और नए गणतंत्र एवं उदार प्रजातंत्र सामने आए। इसे विश्व के इतिहास में मील का पत्थर कहा जाता है। फ्रांसीसी क्रांति ने अन्य यूरोपीय देशों में भी स्वतंत्रता की ललक पैदा की और वे भी राजशाही से मुक्ति के लिए संघर्ष करने लगे। जर्मनी में आज के दिन नाजी पार्टी को छोड़ सभी राजनीतिक दल कर दिए गए थे बर्खास्त। जर्मनी में 1920 से 1945 तक नाजी पार्टी प्रमुख राजनीतिक पार्टी थी। 1921 में एडोल्फ हिटलर ने नाजी पार्टी का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया था। 1933 में हिटलर को जर्मनी का चांसलर घोषित किया गया। इसके बाद 14 जुलाई को हिटलर ने नाजी पार्टी छोड़कर अन्य सभी राजनीतिक दलों को बर्खास्त कर दिया और राजनीतिक विरोधियों को जेल में डाल दिया या मार डाला। उसी वर्ष वाइमर गणराज्य का विलय कर नाजी जर्मनी का गठन हुआ। नाजी पार्टी की ज्यादतियों का शिकार वे सभी लोग हुए जिन्हें पार्टी अवांछनीय मानती थी। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय के बाद नाजी पार्टी को भंग कर दिया गया था। इंग्लैंड के चर्च ने आज के दिन महिलाओं को बिशप बनाने के पक्ष में किया था मतदान। 14 जुलाई 2014 को इंग्लैंड के चर्च ने महिलाओं को भी बिशप बनाने के पक्ष में वोट किया था। इससे पहले 2012 में चर्च ऑफ इंग्लैंड की शासकीय परिषद ने महिलाओं को बिशप के तौर पर काम करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। इसे कैंटबरी के आर्क बिशप रोवान विलियम्स और उनके उत्तराधिकारी बिशप जस्टिन वेल्बी के प्रयासों के प्रति आघात के रूप में देखा गया था। इन दोनों ने महिलाओं को बिशप के तौर पर नियुक्त करने की जोरदार वकालत की थी। चर्च की नीति नियंता इकाई जनरल सिनोद में संबंधित प्रस्ताव को पारित कराने के लिए तीनों सदनों में 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। इसके 3 सदनों में बिशप, पादरी और आमजन शामिल हैं। आज के दिन हुआ था प्रसिद्ध राष्ट्रभक्त, स्वतंत्रता सेनानी और पत्रकार देशबंधु गुप्त का जन्म। देशबंधु गुप्त प्रसिद्ध राष्ट्रभक्त, स्वतंत्रता सेनानी और पत्रकार थे। देशबंधु गुप्त जी का जन्म 14 जुलाई 1900 को पानीपत हरियाणा के एक व्यवसायी परिवार में हुआ था। अपने विद्यार्थी जीवन में ही देशबंधु गुप्त राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े थे। उनसे प्रभावित होकर ही लाला लाजपत राय ने उन्हें अपने साथ ले लिया था। गुप्त जी में संगठन करने की बड़ी क्षमता थी। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्हें गिरफ्तार किया गया और फिर 1945 में ही ये जेल से बाहर आ सके। एक पत्रकार के रूप में भी देशबंधु गुप्त जाने जाते थे। स्वामी श्रद्धानंद ने इन्हें राष्ट्रीय पत्र 23 का संपादक नियुक्त किया था। 1948 में अखिल भारतीय समाचार पत्र संपादक सम्मेलन के अध्यक्ष भी चुने गए थे। गुप्त जी हमेशा जाति प्रथा का विरोध करते रहे। वर्ष 1951 में एक विमान दुर्घटना में देशबंधु गुप्त का देहांत हो गया था। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।